गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे टाइगर्स के सेंसेस के बारे में। तो अब जब हमने टाइगर्स के सेंसेस के बारे में डिस्कशन कर लिया है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि व्हाई टाइगर्स आर नोन एज वन ऑफ द क्लेवरेस्ट एनिमल्स, वन ऑफ द स्मार्टेस्ट एनिमल्स, वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स। क्यों टाइगर्स को सबसे ज्यादा सावधान, सतर्क रहने वाले एनिमल्स में गिना जाता है? क्यों उन्हें इतना क्लेवर, इतना स्मार्ट समझा जाता है ना? क्यों? क्योंकि जैसे आपने अभी पढ़ा कि उनका जो विजन का सेंस है बेटा, वो बड़ा कमाल का है। इवन एट नाइट टाइम व्हेन देयर इज नो सनलाइट एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डार्कनेस, इफ यू कंपेयर द पावर ऑफ विजन ऑफ अ टाइगर विद डैट ऑफ अ ह्यूमन, तो इट हैज बीन फाउंड दैट देयर पावर टू सी थिंग्स एट नाइट दैट इज 6 times बेटर देन दैट ऑफ अस। हम लोग से 6 times बेहतर तरीके से रात के वक्त जो है ये टाइगर्स देख सकते हैं। इतना ही नहीं बेटा, जो इनका हियरिंग का सेंस है वो भी आपने देखा, वो बड़ा कमाल का है कि ये इतने अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो पत्तों की सरसराहट की आवाज आई, वो पत्तों की सरसराहट की आवाज हवा के वजह से पत्ते हिले उससे आई है, या फिर सम एनिमल इज मूविंग जिसकी वजह से वो पत्ते हिले और उसकी आवाज आई है ना। फिर हमने ये भी देखा था बेटा कि उनके स्किन पे विस्कर्स होते हैं, स्पेशली उनके माउथ के अराउंड जो रीजन होता है उसमें उनके विस्कर्स काफी अच्छे से ग्रो किए हुए होते हैं। और ये क्या करते हैं कि उनके आसपास के एनवायरनमेंट में अगर कोई भी मूवमेंट होता है तो उसको सेंस करने में इसकी मदद करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें देख लो, ये सारी चीजें क्या इसे बहुत स्मार्ट एनिमल नहीं बनाती? अपने टेरिटरी को मार्क कर देते हैं, दूसरा एनिमल डर के मारे उसमें आता नहीं है, यहाँ तक कि दूसरा टाइगर इनके टेरिटरी में, एक टाइगर दूसरे टाइगर की टेरिटरी में नहीं जाता है। तो इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद, इतना ज्यादा अच्छा इफिशियंट सेंस का सिस्टम होने के बावजूद, आपने सुना होगा कि टाइगर्स आर इन डेंजर, टाइगर्स पे खतरा है ना। एंड दे हैव बीन लिस्टेड इन इनडेंजर्ड स्पीसीज। बेटा इनडेंजर्ड स्पीसीज के लिस्ट में उन एनिमल्स को डाला जाता है जिनको लेकर के ये डर रहता है कि अगर स्पेशल केयर नहीं लिया गया तो एक दिन ये इस वर्ल्ड से वैनिश कर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, है ना। तो जरा मुझे सोच के बताओ तो कि ऐसा क्या रीजन हो सकता है कि इतना पावरफुल होने के बावजूद, इतना अच्छा सेंस सिस्टम होने के बावजूद इन्हें इनडेंजर्ड स्पीसीज, इनडेंजर्ड एनिमल्स के लिस्ट में डाला गया है। तो बच्चों देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ऐसे बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से टाइगर्स जो है वो इनडेंजर्ड हो गए हैं, जिनमें से सबसे मेजर रीजन अगर किसी को कहा जाए तो दैट इज पोचिंग ऑफ टाइगर्स। नाउ व्हाट इज पोचिंग? पोचिंग इज नथिंग बट इलीगली कैचिंग एंड किलिंग एनिमल्स। इलीगल का मतलब क्या होता है? एनी एक्ट, एनी डीड दैट इज डन अगेंस्ट द लॉ बाय ब्रेकिंग रूल्स। कोई भी ऐसा काम जो कि कानून के खिलाफ जा करके किया जाए, कानून को तोड़ करके किया जाए, दैट इज कंसिडर्ड टू बी एन इलीगल एक्ट। ठीक है, तो भाई जब हम मच्छरों को मारते हैं तो वो इलीगल नहीं होता? Had it been an illegal act, then police would have come and arrested us for killing mosquitoes. But does it so happen? ऐसा होता है क्या? नहीं ना। हम लोग मक्खियों को मारते हैं, when we kill ants, तो क्या पुलिस आके हमें अरेस्ट करके ले जाती है? नहीं ना। आप तो देखे होंगे टीवी में देता रहता है, हिट लाइए, कॉकरोच को मारिए, बेगोन लाइए, घर से कीड़े मकोड़ों को भगाइए। तो इसका मतलब क्या है कि इन एनिमल्स को मारना इलीगल नहीं है। तो किन एनिमल्स को मारना इलीगल है? बच्चों जो एनिमल्स इनडेंजर्ड स्पीसीज हैं, इनडेंजर्ड एनिमल्स के कैटेगरी में आते हैं, उन्हें किसी भी तरह का जानबूझ करके नुकसान पहुंचाना इलीगल है। और टाइगर्स जो है वो इनडेंजर्ड स्पीसीज है।
अब बात ये आती है कि इवन दो इट इज बैंड टू हंट टाइगर्स, इनकी पोचिंग होती है तो जरूर इनसे कुछ ना कुछ वैल्यूएबल मिलता होगा, तभी तो लोग कानून के खिलाफ जाकर के इतना रिस्क लेकर के भी जो है इसकी हंटिंग कर रहे हैं, इसको इलीगली कैप्चर करके मार रहे हैं। तो क्या ऐसा वैल्यूएबल मिलता है? तो बच्चों, सबसे पहले तो आपने शायद कभी किसी मूवी में या फिर टेलीविजन सीरीज में, सीरियल्स में देखा होगा कि किसी किसी के घर में जो है उनके वॉल्स पे या किसी कॉर्नर पे टाइगर के बॉडी पार्ट्स डिस्प्ले में रखे रहते हैं। दैट इज एक्चुअली अ डिस्प्ले ऑफ देयर ब्रेवरी अकॉर्डिंग टू दोज पीपल। क्योंकि जब बेटा पुराने जमाने में ऐसे मारना इलीगल नहीं होता था तो लोग क्या करते थे कि दे यूज टू गो ऑन हंटिंग एक्सपेडिशंस, वो शिकार खेलने जाया करते थे, और अगर टाइगर को मार दिया तो वो बड़ा प्राउडली सबको शो किया करते थे कि देखो मैंने इतने पावरफुल टाइगर को भी मार दिया है। ठीक है, तो एज अ प्रूफ ऑफ देयर एक्ट ऑफ ब्रेवरी, एज अ ट्रॉफी, दे यूज टू ब्रिंग द बॉडी पार्ट्स ऑफ द टाइगर दैट दे यूज टू किल, एंड दे यूज टू डेकोरेट दोज बॉडी पार्ट्स इन डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ देयर हाउस। ठीक है, तो ये एक ट्रॉफी की तरह वो लोग डिस्प्ले किया करते थे, या फिर टाइगर का जो स्किन होता है उसको भी कहीं पर डिस्प्ले कर दिया करते थे। कभी कभी इसे डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, टाइगर को मार के टाइगर के स्किन को डिस्प्ले करके अपने हाउस को कुछ लोग डेकोरेट करना सही समझते हैं। ठीक है, तो ये भी है। और फिर क्या है बेटा कि टाइगर के बॉडी पार्ट से बहुत सारे मेडिसिन भी बनते हैं, स्पेशली बोन्स का बहुत ही यूज होता है मेडिसिन को बनाने में, इसलिए भी इन्हें इलीगली पोच किया जाता है। ठीक है, एंड ऑल्दो इट इज अ वेरी 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 रेयर एक्ट, बट इट डज हैपन दैट समटाइम्स दे आर किल्ड फॉर देयर मीट, है ना। Now the second major reason is the shrinkage in forest area. बच्चों, shrinkage का मतलब होता है to get reduced in size, कम होना। ठीक है, सिकुड़ जाना। किसका कम होना मैंने कहा shrinkage of forest area। तो बच्चों, आप लोग भली भांति इस बात को जानते हो कि nowadays forests are shrinking and shrinking and shrinking. Why? One major reason behind shrinkage of forest is ह्यूमन बींग्स। वो कैसे? तो बेटा, आप ये तो जानते हो कि ह्यूमन बींग्स का जो पॉपुलेशन है डेट इज इंक्रीजिंग डे बाई डे एंड डेट टू मैनी फोल्ड। हम लोगों का जो पॉपुलेशन है, हम इंसानों का जो जनसंख्या है बेटा, हमारा जो नंबर है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और वो भी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता जा रहा है, बहुत तेज रेट से हमारा पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। नाउ more the number of people are there will be more demand for fulfilling their requirement. beta jitne zyada log honge utni hi zyada unki zaruraten bhi hongi aur un zaruraton ko pura karne ke demands bhi utne hi zyada badhenge. what i mean to say is just try to understand this with the help of this example ki dekho maan lo pehle 10 log hain, theek hai, तो 10 लोग हैं तो 10 लोग के खाने के लिए अगर मान लो इतना सा चावल लगता है, ठीक है, अब आपके घर में 20 लोग हो गए तो डबल चावल लगेगा। तो वैसे ही अगर ह्यूमन का पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है तो उनके फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वी नीड टू ग्रो मोर एंड मोर फूड। हमें और ज्यादा खाना उगाने की जरूरत है, ग्रो करने की जरूरत है, एंड इन ऑर्डर टू ग्रो मोर एंड मोर फूड वी नीड मोर फार्म लैंड्स। हमें ज्यादा खाना उगाने के लिए ज्यादा खेतों की जरूरत है। अब खेत तो उतने बचे नहीं रह गए, तो व्हाट वी पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग दैट वी आर क्लियरिंग द फॉरेस्ट। हम लोग क्या करते हैं कि जंगलों का सफाया कर देते हैं, जंगलों में जाकर के पेड़ों को काट डालते हैं, एंड वी स्टार्ट डूइंग फार्मिंग देयर। हम लोग फॉरेस्ट लैंड को फार्म लैंड में कन्वर्ट कर देते हैं, जंगल को खेत बना देते हैं और फिर वहां पे खेती करना शुरू कर देते। तो इससे क्या हुआ बेटा, फॉरेस्ट का एरिया कम हो गया। फॉरेस्ट के एरिया को कम होने से क्या हुआ,
बेटा वेयर इज द हैबिटेट ऑफ अ टाइगर? टाइगर जो है वो नेचुरली कहाँ रहता है? जंगल में ही तो रहता है, फॉरेस्ट में ही तो रहता है। वो बात अलग है कि आपने कभी जू में देखा होगा, वो भी हम ह्यूमंस का सेल्फिश ही एक्ट है बेटा कि हम लोग उसे पकड़ करके और पिंजड़े में डाल दिया करते हैं डिस्प्ले करने के लिए, है ना। तो डेट इज नॉट इट्स हैबिटेट, वो उसके नेचुरल रहने की जगह नहीं है। उसका नेचुरल प्लेस ऑफ लिविंग हैबिटेट क्या है बेटा? फॉरेस्ट, जंगल। तो ऑब्वियसली आप उसके घर को छोटा करते जाओगे, उसके घर को नुकसान पहुंचाओगे, तो उनका पॉपुलेशन भी तो अफेक्ट होगा, वो भी तो कम होता जाएगा, है ना। कई बार क्या करते हैं कि केवल खाना ही नहीं बेटा, इन ऑर्डर टू फुलफिल अदर रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि बेटा हमें ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन चाहिए होंगे, वी विल रिक्वायर मोर एंड मोर वुड टू बिल्ड फर्नीचर एंड फॉर अदर पर्पसेस, हमें ज्यादा से ज्यादा लकड़ी की जरूरत होगी। जितना पॉपुलेशन होगा उतनी ही ज्यादा जरूरतें बढ़ेंगी, है ना। उतने ही स्कूल्स बनाने होंगे, बिल्डिंग्स बनाने होंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे, ब्रिजेस बनेंगे, कनाल्स बनेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इन सब के लिए कई बार हम लोग क्या करते हैं कि फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। और जैसे ही हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं बेटा, हम वाइल्ड लाइफ को भी नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये श्रिंकेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अ डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स। ओके, समझ में आया। देन द थर्ड वन इज शॉर्टेज ऑफ प्रे। अब देखो, अगर फूड सप्लाई में कमी हो जाए, ठीक है, धीरे धीरे जो है लोग क्या होंगे, दे विल स्टार्ट टू डाई बिकॉज ऑफ स्टारवेशन। भूख की वजह से धीरे धीरे लोग मरने लग जाएंगे, फूड नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, यही होगा ना। वैसे ही बेटा टाइगर्स का फूड क्या है, व्हाट डू दे ईट? दे ईट अदर एनिमल्स। अब बहुत सारे रीजंस की वजह से, जिनमें से एक हमने अभी अभी डिस्कस किया, डेट इज श्रिंकेज ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट पे मान लो काऊ है, बफेलो है, शीप है, ठीक है, डियर है। अब हमने फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, हम वहां के वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिए, तो क्या होता है कि ये जो काऊ, बफेलो, डियर, डेट आर एक्चुअली प्रे ऑफ टाइगर्स, वो भी क्या हो रहे हैं बेटा, उनका भी पॉपुलेशन कम हो रहा है ना। तो जब उनका पॉपुलेशन कम हो रहा है तो टाइगर्स के लिए फूड का शॉर्टेज हो रहा है। फूड के शॉर्टेज की वजह से अगर ये ज्यादा दिनों तक चला तो टाइगर्स माइट डाई ऑल्सो। जैसे हमें बहुत दिनों तक खाना नहीं मिलेगा तो हम भूख की वजह से मर सकते हैं, उसी तरीके से बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ प्रे टाइगर्स आर ऑल्सो डाइंग। देन नेचुरल कलामिटीज और नेचुरल डिजास्टर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अ डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन। बेटा नेचुरल कलामिटीज जो आते हैं उनसे भी कई बार इनके पॉपुलेशन को काफी हद तक नुकसान पहुंचता है। जैसे कि बेटा अभी अभी कुछ हफ्तों पहले वेस्ट बंगाल में अम्फन तूफान आया था। वेस्ट बंगाल में ही सुंदरबंस भी है जहां पर बहुत सारे टाइगर्स मिलते हैं। अगर अम्फन तूफान सुंदरबन को नुकसान पहुंचाया है तो उससे टाइगर्स भी तो अफेक्ट हुए होंगे। उसी तरीके से बेटा कुछ महीनों पहले आपने शायद न्यूज चैनल्स में सुना होगा या कहीं पर ये न्यूज पढ़ा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के फॉरेस्ट में, जंगल्स में जो है वो आग लगी हुई है, ठीक है, काफी दिनों से आग लगी हुई थी जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ जो है वो बहुत हद तक डिस्ट्रॉय हुआ। तो अगर वहां पे जिस फॉरेस्ट में आग लगी हुई है वहां पर अगर टाइगर्स रहा करते हैं तो ऑब्वियसली वो तो अफेक्ट होंगे, है ना। ऐसे ही मान लो कोई एक एरिया है जहां पर टाइगर्स हैं, वहां पे उस एरिया में फ्लडिंग हो जाता है तो दैट इज गोइंग टू अफेक्ट देम। तो नेचुरल कलामिटीज जो होते हैं बेटा वो भी कई बार इनके पॉपुलेशन को नुकसान पहुंचाते हैं। नाउ अनदर रीजन इज ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट्स। ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है बेटा ह्यूमंस का और टाइगर्स का आमना सामना होना, इनका एक दूसरे के सामने आना। नाउ इफ दिस हैपेंस फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है।
क्योंकि हम ह्यूमंस जो है वी आर अफ्रेड ऑफ टाइगर्स, तो वी जनरली अवॉइड टाइगर्स एंड टाइगर्स ऑल्सो जनरली अवॉइड वेंचरिंग कमिंग इन टू द एरियाज वेयर देर आर ह्यूमन एक्टिविटीज. ह्यूमंस के एरिया में टाइगर्स भी आना अवॉइड करते हैं. बट समटाइम्स इट डज हैपन कि टाइगर जो है घूमते फिरते फॉरेस्ट से बाहर आ जाता है और एक्सीडेंटली कई बार वो ऐसे रीजन्स में घुस जाता है, ऐसे एरियाज में चला जाता है जहां पर ह्यूमन पॉपुलेशन है, ह्यूमन एक्टिविटीज है. अब क्या होता है कि इंसानों ने जैसे ही टाइगर को देखा वो डर जाते हैं और टाइगर्स क्या करते हैं कि उनके लाइफ स्टॉक पर हमला कर देते हैं कई बार. लाइफ स्टॉक मतलब बेटा हम ह्यूमंस जो हैं वो काउ को, बफेलो को, शीप को, गोट को, इन एनिमल्स को कई बार रखते हैं ना, तो उन पे ये टाइगर क्या करता है, अटैक कर देता है. इफ सच थिंग हैपेंस देन इट इज गोइंग टू कॉज लॉस टू ह्यूमन बींग्स. ठीक है, क्योंकि हम जो रखते हैं, अब मैंने गाय को रखा, ठीक है, अब गाय को अगर वो टाइगर अटैक कर जाता है तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा. तो जैसे ही लोग टाइगर को देखते हैं तो कई बार क्या होता है कि वो उसको डरा करके भगाना शुरू करते हैं और कई बार पूरी भीड़ लगा करके वो उस पर अटैक भी कर दिया करते हैं. और टाइगर भी क्या करता है, वो काउंटर अटैक कर देता है अपने आप को बचाने के लिए. तो इस तरीके से ह्यूमन टाइगर्स कंफ्लिक्ट की वजह से कई बार ह्यूमंस ऑल्सो लूज देयर लाइफ एंड टाइगर्स ऑल्सो लूज देयर लाइफ.